रही जी अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एल एस टी एम क्या होता है और किस तरीके से ये परफॉर्म करता है एंड हाउ एंड वेयर कैन वी वे यूज़ दिस मॉडल ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपको एक चीज़ बता दूं कि एल एस टी एम वाद मॉडल है जो आर एन एन की परफॉर्मेंस को इतना इंक्रीज़ कर देता है कि ई भी उतना इंक्रीज ना कर सकें क्यों मैंने आपको उस दिन में बताया था कि जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं सीक्वेंस का डेटा उसके अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन न्यूरॉन्स इतने बढ़ जाते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर सीक्वेंस का डेटा जो है वो बनाते बनाते कि आपको फिर इन हॉट इनकोडिंग करते वो कहते इतने ज़्यादा कॉलम बन जाएंगे डेटा आपको मिलियन बिलियन न्यूरस के अंदर चला जाएगा तो इसी तरीके से जब हम आर की बात करते हैं वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो ग्रेडियंट फनिशिंग ग्रेडियंट का है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं यूजिंग अगर मॉडल की बात की जाए मेरी स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी तो पहली बात तो ये अगर आप मेरा साथ देंगे यहाँ पे लेक्चर के दौरान तो यकीन माने ज्यादा मजा आएगा पढ़ने का बजाय इसके के आप सिर्फ और सिर्फ सुनते जाए मुझे तो अगर आप एल एस टीएम को सर्च करें तो ये क्या बनता है एल एस एन टी एम से काफी लोगों को पता होगा पहले से क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर काम किया लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर डायरेक्टली बंदा डीप लर्निंग में आए और एल एस टी एम पढ़ने बैठ जाए तो आपको ये नहीं लगना कि ये कोई मॉडल नहीं है ये कोई और ही कोई बला चीज निकली हुई है यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के हिसाब से अगर देखा जाए ठीक है और लग रहा है कि ये वाकई में हमारे पास एक मेमोरी से रिलेटेड कोई बात होने जा रही है ऑब्वियसली जब हमने आर के ऊपर डिस्कशन की थी विच इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हमने बोला था कि वहां पे आर एन एन के अंदर एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है वैनिशिंग ग्रेडियंट इन दोनों चीजों के इशूज ठीक है अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि हमारे पास एक बंदा है वो ऑफिस जाता है रोजाना ऑफिस जाता है और रोजाना कोई ना कोई काम करके वो घर वापस आता है अगर वो बंदा ये उसका ऑफिस है ठीक है और ये उसका घर है यहां से ऑफिस जाता है वापस आ रहा है ऑफिस जाता है वापस आ रहा है ऑफिस जाता है वापस आ रहा है उसको रोज़ाना की बेस पे इतना मेमोराइज हो जाती है सारी की सारी चीज़ कि वो रास्ता अक्सर अकात वही अपना आ रहा होता है और अन इंटेंशनली भी वो किसी अपनी सोचों में भी गुम हो वो बंदा घर ही वापस आता है ऑफिस से कहीं और निकल जाता अगर आपने कभी गौर किया हो और यही हाल हमारा मेमोरी का होता है इसी वजह से मेमोरीज जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं किसी भी चीज़ को डील करने के लिए ठीक है हमने जो वो रास्ता याद किया हुआ है दिस रास्ता या दिस वे इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा क्योंकि आपको पता है कि मैं घर जब ऑफिस घर से बाहर निकलता हूं तो सामने एक चौराहा आएगा वहां से मैंने राइट टर्न लेना है राइट टर्न लेके आगे कोई दुकान आएगी फिर एक गोल चक्कर आएगा घूम के मैंने सेकंड टर्न पे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है एंड देन यू नो कि हमारे ऑफिस के सामने एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है और वहां पर पार्किंग भी है सो यू नो दैट बाई हार्ट रीजन क्या है आप रोजाना आते जाते हैं इसी तरीके से हमारे पास मेमोरी जो है वो डेटा के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर भी काउंटिंग होती है जैसा मैंने आपको बताया उस दिन सैट ऑन ए मैट ये मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास ये एक न्यूरल नेटवर्क की लेयर है यहां से यहाँ पे दी लिखा था मैंने आ नहीं था लिखा मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक है दी तो यहां पे मैं लिखता हूं तो यहां पे हमारे पास पहला एक्टिवेशन फंक्शन आ जाता है ठीक है या आप कह लें कि हिडन स्टेट हमारे पास आ जाती है मैं इसको हिडन स्टेट कह लेता फिर उसी न्यूरल नेटवर्क की लेयर के ऊपर दूसरा सेंटेंस आता है कैट का हिडन स्टेट टू फिर इसी तरीके से आपके पास सेट ऑन ए मैट ऐसे आते हैं ठीक है थीके? और ये एक ही न्यूरल नेटवर्क की लेयर है जो बार बार आपके पास डिफरेंट हिडन स्टेट के साथ जा रही है एंड यू आर इनपुटिंग एवरीथिंग देयर लाइक दिस अब हो क्या रहा है कि यहां पे जब मैंने दी लिखा ना पीछे हिडन स्टेट आई कोई भी रैंडम हिडन स्टेट आई आप इसको जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है हमने सिर्फ एनोटेट कर रहे जब कैट लिखा तो द का जो हिडन स्टेट थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई यानी कि आप कह लें कि दी यहां पे इसके साथ कैट के साथ आ रहा है तो द कैट इकट्ठा आ रहा है तो यहां पे कैट इसको पता है जब हम सेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैट की हिडन स्टेट आ रही है ठीक है जब हम ऑन लिख रहे हैं तो यहाँ पे सेट की आ रही है हिडन स्टेट जब हम आ लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऑन की आ रही है जब हम मैट लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए की आ रही है हिडन स्टेट तो आप देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास हिडन स्टेट यानी कि मेमोरी इसको हम मेमोरी बोलते हैं इनपुट के साथ जो हमारी ये वाली इनपुट है इसके साथ पिछले न्यूरॉन की या पिछले एक प्रोसेस का लास्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है सिर्फ ठीक है हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा है यानी कि मैट के साथ कैट नहीं कभी भी आने वाला यानी कि इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर यानी कि इस स्टेप के अंदर आपके पास मैट के साथ कैट नहीं आएगा सिर्फ आएगा इसका मतलब यह है जो रिसेंट पीछे वाले अल्फाज हैं वो वालों की हिडन स्टेट आपके पास आगे मूव कर रही होती है ठीक है तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से एनोटेट करूं कि ये हमारे पास एक मेमोरी सेल आप कह लें और यहाँ पे मैंने एक लफ्ज लिखा द ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास कोई एक एक्टिवेशन फंक्शन था या हिडन स्टेट वन थी मैं दा के बाद, अब दूसरा लफ्ज लिखता हूं यहां पे कैट तो मेरे पास इसी के अंदर इस हिडन स्टेट ने आगे एक्टिव होके हिडन स्टेट टू में चले जाना है सो हमारे पास एक लफज के बाद दूसरी आ रही है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी जो पिछले इंस्टेंस की मेमोरी है विच इज दिस हिडन स्टेट यानी कि जो दा आया है ये कैट से पहले आ रहा है ठीक है सेट यहां पे ऑन ए मैट इस तरीके से आ रहा है ठीक है तो हर पिछला लफज अगले के अंदर इनपुट होता जा रहा है एक सीक्वेंस के अंदर और यही एक सिक्वेंशियल एल्गोरिथम का काम है जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं ठीक है ये तो हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी लेकिन एल्गोरिथम का नाम है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग भी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इसका मतलब ये है कि अगर एक एल्गोरिथम के अंदर ये लॉन्ग वाली मेमोरी भी साथ में मूव करती जाए तो इसको हम लॉन्ग मेमोरी बोलेंगे क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म पहले ही है तो ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास एक एल्गोरिथम बन जाएगा बेसिकली ठीक है अब ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको करके दिखा दिया देर आर मैनी थिंग्स इन्वॉल्व इन इट जो किस तरीके से चलती है मैं आपको न्यूरल नेटवर्क का एक सेल दिखाया ये वाला यहाँ पे आपके एक लॉन्ग टर्म मेमोरी साथ-साथ चल रही होती है और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टॉप वर्ड्स को निकाल के है याद करें मैंने आपको टर्म्स पढ़ाई थी स्टॉप वर्ड्स कौन-कौन से, है? The, is, and, on, off, से हैं स्टॉप वर्ड्स द इज एन ऑन ऑफ जो कीवर्ड से हटके हैं

और ये कब यूज होता है बड़ी एक आसान सी एग्जाम्पल मैं आपको देने लगा मैं यहां पे लिखता हूं टुडे ट्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान आई यहां पे एक सेंटेंस आएगा टू जर्मनी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल और रियल लाइफ दे रहा हूं अपने नाम से ठीक है ताकि फेक ना लगे आपको ये एक सेंटेंस हो गया यहां पे मैंने लिखा टू डे याद रखिएगा ठीक है यहां पे लिखे मैंने टू डे अब अगर मैं यहां पे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं फाइव इयर्स अगो ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान आई स्लैश मूव टू जर्मनी अब आपको पता है ये एक ये वाला आपका जो कीवर्ड है और एक ये वाला जो कीवर्ड है इन दोनों की बेस पे मेरे पास यहां पे अल्फाज आने कुछ ना कुछ आना है यहां पे। सेंटेंस सेम है सेंटेंस सेम है अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बेस पे देखें तो आई के बाद एम भी आता है यहां पर भी आई के बाद आता है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से इस वजह से हमें एल एस टी एम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए होती है ये मैं बात कर रहा हूं एन की अगर हम यही टाइम सीरीज पे बात करेंगे तो क्या होगा जनाब हमारे पास ये सारे का सारा डेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि पांच साल पहले क्या हुआ ये नहीं कि कल क्या हुआ फिर हमारे पास डेटा होगा पांच साल पहले क्या क्या हुआ था पांच साल का पिछला डेटा उसकी बेस पे आगे प्रडिक्ट करना समझने बात को अब यहाँ पे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है आई आई के बाद यहाँ पे आई की वजह से कुछ ऐसा लगने है जो एक सिंगुलर के साथ लगता है या इंग्लिश के इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर जो आई के साथ लगता है ठीक है टुडे का मतलब है यहां पे प्रेजेंट वाला लगना है यहां पे फाइव इयर्स अगो का मतलब है यहां पे पास्ट वाला लगना है कुछ ठीक है समझ आ रही बात की अब अगर मैं यहां पे लिखूं आई नीड टू मूव टू जर्मनी या मैं लिख सकता हूं आई हैव टू मूव टू जर्मनी ठीक है आज की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से आई हैव टू मूव टू जर्मनी या आई नीड टू मूव टू जर्मनी ये तो हो गया टुडे की वजह से क्यों क्योंकि ये जो टूडे है ना दिस इज आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी ये आगे मूव करती जानी है पूरे सेंटेंस में अलॉन्ग साइड शॉर्ट टर्म मेमोरी और यहां पे फाइव इयर्स गो ये मूव करती जानी है फाइव इयर्स गो आपकी एज ए लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक है इससे क्या होगा आपके अक्सर सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बनती है अब आई to move टू to जर्मनी आप यहां पे आई हैव नहीं लिख सकते ठीक है क्योंकि आप पांच साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया सो so, यहां पे और भी बहुत कुछ आ सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि नीड है ना यहां पे डिसाइड भी आ सकता है तो so, यहां पे क्या आएगा डिसाइडेड समझ आई बात की सो so,

फोर थ्री टू वन ठीक है यहां पे आप वैल्यू लिखते हैं कोई और ड्यू टू सीजनैलिटी इफेक्ट इन चारों का इकट्ठा फर्क पड़ता है इन तीन का इकट्ठा पड़ता है ऊपर वाले तीन का इकट्ठा पड़ता है फर्क ठीक है तो आप अगर एक की वैल्यू दस है दो की बीस है तीन की तीस है चार की चालीस है पांच की पैंतालीस हो गई है फिर पचास हो गई है फिर पचपन हो गई है ठीक है फिर आठ की हमारे पास आ रही है पैंसठ और फिर पचहत्तर और फिर पचासी तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हमारे पास दस ऐड हो रहा है फिर पांच ऐड हो रहा है फिर दस ऐड हो रहा है प्लस 10, प्लस 5, प्लस एंड सो so, हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे दस और कहाँ ऐड होना है इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू जो यहाँ पे हमारे साथ स्टार्ट में स्टार्ट हुई है और जहां पे चेंज आनी है यहाँ पे सडन चेंज आ रही है यहां पे नया सीजन स्टार्ट हो गया या आपका डेटा का ग्रुप स्टार्ट हो सो वी नीड टू फाइंड द ट्रेंड्स और टाइम सीरीज के अंदर जब हम बात करेंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट ठीक है तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसे काम करती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है जो आपके पूरे एक सेंटेंस में या पूरे डेटा में कुछ की आपके चलते हैं और ये सिर्फ की आने हैं विदाउट एनी स्टॉप वर्ड मैं इसकी एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो एक बंदा है इंडिया का आपको मैं उसके साथ भी इंट्रोड्यूस आज करवाता हूँ वो बंदे का नाम है धवल कोड बेसिक्स वाला बंदा है बड़ा जबरदस्त कमाल पढ़ाता है वो भी So, ज़ारी बात है अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो कोड बेसिक्स वाले की वीडियो जरूर देखें इंग्लिश में है, इस तरह के काफी लोग हैं लेकिन जो अच्छा पढ़ाते हैं मैं रियली रिस्पेक्ट पीपल उसने एक मिसाल दी बड़ी लेवल की समोसे के ऊपर ठीक है ठीक है और उसने बोला कि धवल लाइक समोसा धवल उसने बोला कि धवल लाइक समोसा बिकॉज इट्स एन अब आपको पता है की वर्ड है हमारा समोसा तो ये किस कुज़ीन की इलामत है जी इंडियन क्वीन देख लिखा जाता है पाकिस्तानी का नाम नहीं है मैं आपको पहले ये मिसाल मैंने जानबूझ के लिए जो लोग बाहर रहते हैं ना पाकिस्तानी हो भी वो लिखते हैं अपने बाहर इंडियन रेस्टोरेंट किस वजह से पाकिस्तानी क्वजीन जो है वो इतना हिट नहीं है हम भी इंडियन ही सारी बात है अगर देखा जाए रीजन वाइज रीजन वाइज कह रहा है आमी चौक के फतवाना ला दो अपने आप पे रीजन वाइज बात कर रहा हूँ बरे सगीर पाको हिंद के अंदर अगर देखा जाए वैली इंडस वैली की बात हो रही है तो हमारा जो खाना पीना उनके साथ मिलता है तो इंडियन कुजीन इसे कहा जाता है ठीक है ये इंडियन कुजीन यहां पे आया राइट अब अगर इसकी बात की जाए धवल लाइक समोसा उसने ये एग्जाम्पल दी थी अब अगली बात करते हैं आई लाइक पास्ता एंड पिज्जा उसने यहाँ पे चीज लिखा ले था लेकिन मैं पिज्जा की बात करूंगा क्योंकि मैं इटली में रहा हूँ आई नो दैट कि पिज्जा लेवल है उनका अगर किसी ने नहीं खाया तो जिंदगी में कभी मौका मिले तो ये इटली में आके जरूर खाएगा आई लाइक पास्ता एंड पिज्जा बिकॉज आई लव डैश क्यूजिन ठीक हो गया अब यहां पे क्या आना है सभी को पता लग गया इटालियन सही हो गया इटालियन हो बेला चाओ वाला अगर किसी को नहीं पता तो बेला चाओ से शायद याद आ जाए आपको राइट अब एक बात याद करें मैंने आपको बोला था कुछ कीवर्ड्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं एंड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या होता है मैं आपको बताता हूं ये समोसा जो है ये एक की है ये यह यहां से मूव करता गया करता गया करता गया करता गया जहां पे कुजीन की बात आई समोसा एक वाहद पूरे सेंटेंस में की वर्ड है जो हमें बता रहा है कि कुजीन इसने डिटेक्ट करवाना है समझ आई एन की कोई और यहाँ पे वर्ड है सुबह धवल के हो सकता है वो उस, उसको पसंद इटालियन या कोई और फ्रेंच कुजीन हो लेकिन समोसा जो है ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है भाई ये इंडियन क्वजीन की बात हो रही सो so, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसे शिफ्ट हो रहा है अच्छा ये अब समोसा इंडियन तक आया इससे आगे फिर समोसा जाई जा रहा है ठीक है राइट right? क्योंकि हो सकता है ना एक पैराग्राफ में दो तीन दफा इसी की बात हो रही हो समोसा जाई जा रहा है जाई जा रहा है जाय जा रहा है जब पास्ते की बात आई है ना यहां पर इसने समोसे को छोड़ देना है इसने कहना है कि समोसे को फॉरगेट कर दो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी यहां तक चलनी है समोसे की यहां से आपका पास्ता स्टार्ट हो जाना है इसको बोलते हैं फॉर गेट और इसको बोलते हैं गेट इसको बोलते हैं फॉर गेट एंड गेट प्रोसीजर इन एन ठीक है क्यों क्योंकि जब पास्ता आया ना समोसे का फिर काम गया पास्ता और समोसे का कोई मेल जोर बनते हाँ अगर पानी पूरी लिखा होता या यहां पे लिखा होता हलवा पूरी तो हम कह सकते थे कि ठीक है इसको ऐड कर लो जैसे यहां पे हमने गेट किया पास्ता और हमें पता है कि पास्ता के साथ पिज्जा आता है तो हमने अब पास्ता भूलना नहीं है हमने पास्ता कॉम्मा पिज्जा कर लेना क्योंकि ये मिलती जुलती चीजें और ये मैं नहीं बता रहा मिलती जुलती चीजें हैं हमारे की वर्ड यहाँ पे एग्रीगेट क्यों करेंगे क्योंकि एन मॉडल ट्रेन इस चीजों पर हुआ है जब भी इटालियन कुज़ीन की बात आई है तब तब पिज्जा पास्ता और ग्रेसिनी स्ट्रेगेटी आइसक्रीम इस तरह की चीजें आ रही ठीक है सो नाउ यू नो अगर इसके साथ रिजॉर्टो भी आ जाता होंगे पर ना जरा फैंसी है रिजॉर्ट हो यू you नो know? तो रिजॉर्टो हो, हो जाता है वो विच मशरूम पाके है। बोलते हैं ये जिसको हम मशरूम बोलते हैं खैर पा पिजा आ गया बिक एंड देन आपके ये दो अब लॉन्ग मेमोरी में आ गए यहां तक समोसा आया है ठीक है ये कैरी फॉरवर्ड करता जाता है जब तक अगला कीवर्ड उससे मैच नहीं करता अगर मैच कर जाए तो वो ऐड कर लेता है नाम मैच करे तो फॉरगेट हो जाता है ये एन के रूल्स के अंदर है इसी वजह से कहते हैं जो अच्छा राइटर है वो कंटेक्ट देख के लिखता है एन एल वहां पर खराब हो जाती है जो डेर के राइटर आ जाए जिन, जिनको इंग्लिश की मतलब यहां पे बात शुरू की है कबूतरों की दूसरी साइड पे कब्बों की चील कब्बों की होगी स्टार्ट तीसरी साइड पे सांपों की होगी सो इफ वी डोंट मेक द कॉन्टेक्स तो हमारा राइटअप अच्छा नहीं होगा तो ये रूल्स कहाँ से निकले हैं जो फेमस राइटर्स हैं बड़े बड़े राइटर्स हैं बड़े बड़े जिन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं खैर एन एल चलती गई यहाँ पे यहाँ पे अब ये जो डैश या फिलिंग है, है, है? है, है, है या कौन सी लफ्स लगना है ठीक है इटालियन को इंग्लिश का लफज है अगर उसको ट्रांसलेट किया आपने किसी और में इटालियानो वो फिर इटली इटालियन में अगर करना है तो इटालियानो उसको बोला जाता है सो इट डिपेंड्स ये आ गया अब ये पास्ता और पिज्जा आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाना जब तक कोई अगला की ना आ जाए तो इस तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी शफल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू तो एक जगह पे आके ये फॉरगेट करती करती है है फिर गेट या एग्रीगेट करती है ठीक है थीके? तो ये चीजें इस तरीके से चलती हैं आप मुझे खुद बताएं ये इंडियन कोजीन के अंदर समोसे के अलावा कुछ नहीं था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो तो ये बेवकूफी होगी अगर एक एल्गोरिथम फजूल की चीजें साथ कीवर्ड्स के तौर पर उठा के लेके चल पड़े इसी वजह से टी एफ आई डी एफ बहुत जरूरी है इसी वजह से की वर्ड का इंपोर्टेंट होना जरूरी है इसी वजह से आपको पता होना जरूरी है कि स्टॉप वर्ड्स क्या है आपके एन एल पी को पता होता है बाय द वे इज एम आर वाज वर इस तरह की सारी चीजें ठीक है एंड एंड देन देन आर टॉकिंग अबाउट वन पिज्जा इसी तरीके से आपके एन आर्ट एनी आर्ट्स का पता है ना मैंने बोला था मैंने इन अल्फाज में बात करनी है क्या होते हैं एनी आर्ट -E एन आर क्या होते हैं? आपके सेंटेंस में जो एन ई आर होते हैं वो एज ए की नहीं यूज होते नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन आपने उनको की के तौर पे यूज नहीं करना होता आपके एन ई आर का कोई रोल नहीं होता अक्सर उत की के तौर पे आने का अगर उसका रोल हो तो वो ऑटोमेटिकली वो एन के अंदर जब आपको पता है सेपरेट पड़े हुए हैं आपके पास पूरे सेंटेंस के या पूरे पैराग्राफ के तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक डेटा सेट मौजूद होता है ठीक है तो एन के अंदर कंसिडर जरूर होते हैं जब आपके पास नाउन प्रोनाउंस और या एंटिटी आ जाए या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए या इस तरह की चीजें आ जाए ठीक है so, सो आपने इस तरीके से उनको देखना है बाय द वे ये एन के अंदर ये चीजें इस वजह से जरूरी हैं आपको समझना एल एस का क्योंकि आपके पास जो पिछला पुराना ट्रेंड है ना वो कभी भी यूज हो सकता है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उससे कैरी फॉरवर्ड करती जाती है यार इसकी सादा मिसाल आपको दूं याद है हम कर रहे होते थे मैं त्रेसठ को चार पे करता चारू चार एक बार चार दो तो ऐसे ही है यहाँ पे तीन नीचे आ गया चार पांच बार बीस तीन तो हमारे पास ये डिवाइड तो हो गया लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन बची है अभी समझ रहे हैं बात को वो जो इन्फॉर्मेशन बची है एनएलपी के अंदर मैथमेटिक्स डिफरेंट है बट एन के अंदर वो जो बची इन्फॉर्मेशन है ना मतलब फजूल इन्फॉर्मेशन निकाल के और आपके स्टॉप वर्ड्स निकाल के एन वगैरह निकाल के जो इन्फॉर्मेशन बचती है उसकी बेस पे वो टी एफ वगैरह उसको लगाता है एन और उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये तीन वर्ड्स हैं जिसमें पास्ता आ जाता है पिज्जा आ गया समोसा आ गया तो इसकी बेस पे इनको एक वैल्यू देता है से फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू पॉइंट है इसकी वैल्यू पॉइंट 0.5 है और इसकी वैल्यू 0.25 है ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली शो कर देती हैं कि भाई समोसे के ऊपर एक सेंटेंस का वजन है और यहां पे ये दोनों के एग्रीगेट होने के चांसेस हैं ठीक है तो अगर आप टीएफ आईडीएफ की क्वांटिटीज वगैरह देख लें सो इट कैन हेल्प यू ये आपने खुद से नहीं करना आता बाय द वे एवरीथिंग वर्क्स बाय इटसेल्फ इन टेंसर फ्लो

एक में की, पूरे के पूरे में वो ही रहती है अगर आप उसको बोल देना की पूरा पैराग्राफ बना देता है रीजन क्या है उसको पता है कि मैंने पास्ट साथ साथ लेके चलना है ठीक है सो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो एक सेंटेंस के अंदर चेंजेस होती जाती है कैरी फॉरवर्ड करके वो इसकी बेस पे होती है दिस इज एल और इसकी एग्जाम्पल इनशाला हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है वो जारी बात है उसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे बट नॉट रुके तो फिर हमारे पास जो जी है वो नहीं हो पाएगा सो नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारा जी होगा हम उसको थोड़ा सा ऐसे ही टच करेंगे मूव करने वाले जी आर कल को मैं आपको बताऊंगा एंड टू कोर्ड्स